लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए, आकाशवाणी हुई। जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा। अच्छा आकाशवाणी क्यों हुई? भगवान शंकर ने एक शर्त रखी थी, कहा प्रकट तो होंगे लेकिन प्रेम से होंगे, और जितने देवता हैं वो कैसे बुला रहे हैं? भय से बुला रहे हैं। इसलिए भगवान प्रकट नहीं हुए, आकाशवाणी हुई। कहा डरिए मत, मैं हूं, मैं अपने परिकरों के साथ अवतार लूंगा। भगवान ने सबको आश्वासन दिया, सभी निश्चिंत हुए, सभी अपने स्थान को जाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहां जाते हो गया तुम्हारा काम? अरे भगवान जा रहे हैं तो भगवान की सेवा में हम सबको जाना पड़ेगा। सभी बंदर भालू का वेश बना करके इस पृथ्वी पर आए। ये कथा अब पहुंचे श्रीधाम अयोध्या जी में। श्रीधाम अयोध्या जी की महिमा का क्या कहना महाराज। अयोध्या जहां पर कभी युद्ध ना हुआ हो, वही है श्रीधाम अयोध्या, जहां पर मेरे राम विराजमान है, जहां पर राजा रामचंद्र भगवान विराजमान है, जहां पर कनक भवन सरकार विराजमान है, वो है अयोध्या। कभी जीवन में कहीं जाइए न जाइए, भगवान से प्रार्थना करिए प्रभु जीवन में एक बार श्रीधाम अयोध्या जी अवश्य हो करावे। कौन कौन जाएगा? अब तो राम मंदिर का निर्माण भी प्रारंभ है, तो आप सभी प्रयास करिए कि 2024 में भगवान का दर्शन अवश्य कराएं। आपको बताऊं, भगवान कहते हैं यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, यद्यपि निगम आगमन वेद पुराण सब मिलकर के मेरे वैकुंठ की प्रशंसा करते हैं, लेकिन मेरे लिए अवधपुरी ही सम प्रिय नहीं सो। भगवान को अयोध्या जैसा प्रिय वैकुंठ भी नहीं है। और तो और भगवान कहते हैं कि अयोध्या से भी ज्यादा मुझे अयोध्यावासी प्रिय है। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। मुझे अयोध्या वाले प्रिय नहीं, कहा अति प्रिय हैं, अति प्रिय हैं। लेकिन जहां भी ये बात कहो लोग थोड़े दुखित हो जाते हैं कि भाई अयोध्या वालों से ही भगवान प्रेम करते हैं, तो ये लंदन वाले कहाँ जाएंगे? तो उसका भी भगवान ने उपाय बता दिया। कहा अयोध्या का वासी कौन कौन है? सबसे पहले अयोध्या का वासी वो है जिसका जन्म श्रीधाम अयोध्या जी में हुआ। दूसरा, जिसका जन्म कहीं और हुआ हो लेकिन रहता कहां है? अयोध्या में, वो अयोध्या का वासी। तीसरा, न जिसका जन्म हुआ न वो रहता है लेकिन मन में सोचता है बार बार, साल भर में, दो साल में एक दो बार जाके दर्शन कर आता है, वो भी अयोध्या का ही वासी है। और चौथा तो इतना सरल बताया, कहा न वो जन्म लिया अयोध्या में, न वो रहता है अयोध्या में, न वो आता जाता है, लेकिन मन में विचार किए रहता है कि हे प्रभु, हे ठाकुर जी, हे रघुनाथ जी, कभी हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे तो हम भी जरूर दर्शन करने आएंगे। मन में विचार करने से ही वो अयोध्या का वासी बन जाता है। इसलिए जाइए न जाइए, मन में तो अवश्य रखिए कि कभी न कभी अयोध्या जरूर जाएंगे।